गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि कल हमने आपको ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 4 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाएंगे। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ए। शू डेट ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आर। बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। इसमें आपसे ये फिगर ये कह रहा है कि एंगल ए को लाइन एल ने बाइसेक्ट कर दिया है, तो बाइसेक्टर एंगल का हाफ पार्ट इक्वल होता है। और बी पी जो है वो ए पी पे परपेंडिकुलर है और बी क्यू जो है ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। फिर आप देखेंगे कि हमें पहले पार्ट में कह रहा है कि ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी की कॉन्जेंसी प्रूव करिए। इस ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इच 90 डिग्री, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए और ए बी ए बी कॉमन साइड्स। सो ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू कॉन्जेंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाई ए एस ए। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी डी। अच्छा, अब बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए बी की जो है दूरी एंगल ए से इक्वल है, यानी बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए, आर ए से इक्वल है। 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि इन फिगर 7.21 ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल यू ए सी। शू डेट बी सी इज इक्वल टू डी ई। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे। ए बी ए डी की इक्वल गिवेन, एंगल बी ए सी एंगल डी ए ई की इक्वल कैसे गिवेन है, बी ए डी ए सी के इक्वल है। एड एंगल डी ए सी इन बोथ साइड, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। बी ए डी और डी ए सी मिलकर बी ए सी बनेगा, ई ए सी और डी ए सी मिलकर डी ए ई बनेगा, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। इस साइड को प्रूव करके बताया गया, ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवेन। सो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्जेंट ट्रायंगल ए डी ई और बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। शो दैट ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी पी और ए डी इज इक्वल टू बी ई। ये आपका फिगर बना हुआ है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। एड एंगल डी पी ई इन बोथ साइड, दोनों साइडों पे डी पी ई एंगल को ऐड करेंगे, फायदा क्या होगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई प्लस एंगल डी पी बी इज प्लस एंगल डी पी ई। एंगल ई पी ए और डी पी ए मिलकर डी पी ई ए बनेगा इज इक्वल टू डी पी बी और डी पी ई मिलकर ई पी बी बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी फ्रॉम फर्स्ट, ई पी इज इक्वल टू बी पी गिवेन, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी गिवेन। सो ट्रायंगल डी ए पी, सो ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी और ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, M is the midpoint of hypotenuse ABC is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM. Point D is joined to B. Show that triangle AMC is equal to congruent triangle BMD. Triangle DBC is a right triangle. Triangle DBC is equal to congruent triangle ACB. CM is equal to half AB. ये आपका फिगर है। फिगर के बाद ए ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। एएम इज इक्वल टू बीएम, एम इज मिड पॉइंट गिवन है, एंगल एएमसी बीएमडी के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीएम इज इक्वल टू डीएम गिवन। सो ट्रायंगल एएमसी इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी बाय एसएएस
अच्छा सेकंड वाले में देखेंगे ट्रेंगल ए एम सी इज इक्वल टू अनकॉन्ग्रेंट ट्रेंगल बी एम डी, सी ए इज इक्वल टू बी डी, एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम, ये सी पी सी डी से होगा। अच्छा चूंकि ए सी एम और बी डी एम जो है एंगल इक्वल है और अल्टरनेट भी फॉर्म कर रहा है, बट दिस फॉर्म अल्टरनेट एंगल सो ए सी पैरेलल बी डी। अच्छा अब आप देखेंगे एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 सी आई ए। अब सी बी डी की वैल्यू नहीं मालूम है, बी सी ए की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 180, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री।